हाई गाइज, हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय पीरियड्स हैक। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अब देखो, हर किसी का बॉडी डिफरेंट होता है। किसी को पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो यहीं किसी को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। बट मैं उन लड़कियों में से हूँ जिन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन में एंड बैक पे और पूरी बॉडी में पेन होता है। तो इसके लिए आई ऑलवेज ट्राई कि मैं यहाँ पर अजवाइन का पानी पीऊँ, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको एक कप पानी लेना है, उसको हाफ कप तक बॉयल करना है अजवाइन डाल के। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड करना है, अजवाइन को चबाते चबाते खाना है और पानी को ड्रिंक करना है। ऐसा करने से ब्लूटिंग भी नहीं होगी और पेन भी नहीं होगी। अब ये तो हो गया हमारा इंटरनल इलाज, अब हमें एक्सटर्नल इलाज करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे DIY पीरियड पेन रिलीफ, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। जिसके लिए हमें लेने हैं 2 towel, 1 Ziploc bag एंड दैट्स इट। उसके बाद में अब लेना है हमें गर्म पानी और 1 towel को उसके अंदर भिगोना है। उसके बाद में इसको Ziploc बैग में डाल देंगे। बेसिकली हम यहाँ पर हीट बैग बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास हीट बैग नहीं है। एंड दूसरे टॉवल को हम प्लास्टिक बैग के ऊपर ऐसे कवर कर देंगे और हमारा हीट बैग रेडी है। माई नेक्स्ट हैक इज़ फॉर यू गाइज, हाउ टू वेयर अ पैड इन पीरियड्स। आई नो हर लड़की को पता होता है कि पैड्स को कैसे वेयर किया जाता है, बट फिर भी पैड्स के जो विंग्स होते हैं वो नीचे से फोल्ड हो जाते हैं और वो इनर वेयर पे उसके स्टेन रह जाते हैं। और ऐसा नाइट में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हमारे बाहर के कपड़ों पे भी स्टेन लग जाए। तो उससे बचने के लिए आपको नॉर्मल वे से पैड लगाना है। अब जैसे हम विंग्स को नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन दोनों विंग्स को एकदम अच्छे से एक दूसरे के ऊपर इसको स्टिक करना है। एक तो ये वे है और दूसरा है कि इस विंग्स को आप इस तरीके से जैसे मैंने कट किया है वैसे कट कर लो और इसको है ना अपनी पैंटी के ऊपर ऐसे चिपका लो। ऐसे बहुत कम चांस होते हैं कि वो नीचे से फोल्ड होगा। माई नेक्स्ट हैक इज़ फॉर यू गाइज, हाउ टू रिमूव अ ब्लड स्टेन। अब सीधी सी बात है, पीरियड्स के अंदर ब्लड स्टेन ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम जींस वेयर करते हैं तो जींस के अंदर कुछ इस तरीके से लग जाता है, वाइट क्लोथ्स पहनते हैं तो उसके अंदर भी स्टेन लग जाता है और वो स्टेन जाता ही नहीं है। बट आप ये हैक ट्राई कर सकते हो, आपको है ना जब स्टेन लगे तो ठंडे पानी से एक तो वॉश करना है। अगर आपने वॉश नहीं करा है, काफ़ी देर हो गई है, तो आपको एक लेमन लेना है और इस लेमन को तब तक रब करना है जब तक ये स्टेन थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता है या फिर ये रिमूव नहीं होने लगता है। उसके बाद में आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है एंड आप देखो स्टेन जो है वो गायब हो गया है। माय नेक्स्ट हैक इज़ फॉर यू गाइज, नो मोर पीरियड लेग्स। हैवी फ्लो में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हमारे भारी कपड़ों पे इस तरीके से स्टेन लग जाए, विच इज़ वेरी एम्बेरसिंग। तो व्हेन यू फील कि आज आपको हैवी फ्लो है, तो आप इस तरीके से पैड्स को लगा सकते हो। एक तो आपको नॉर्मल वे से पैड्स लगाना है जैसे कि हम लगाते हैं, उसके बाद में आपको एक और एक्स्ट्रा पैड लेना है एंड उसको हॉरिजेंटली अपनी पैंटी के ऊपर इस तरीके से लगाना है। रात को बहुत ज़्यादा चांस होता है लीकेज होने का, तो इस तरीके से लगाने से आपको बैक साइड लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। माई नेक्स्ट हैक इज़ फॉर यू गाइज, इरेगुलर पीरियड्स। अगर स्ट्रेस के कारण या हमारे रूटीन के कारण पीरियड्स जो हैं वो लेट हो गए हैं, तब आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। तो हमें लेने हैं सूखे धनिया के बीज, इसको तब तक बॉयल करना है जब तक ये हाफ नहीं हो जाता है, बस इसको ड्रिंक कर लो। अब देखो, 5 से 7 दिन अगर आपके पीरियड्स लेट हैं तो हो सकता है वो स्ट्रेस के कारण या रूटीन के कारण हो, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाओ। उसके बाद में चाहे जितनी मर्जी उतनी होम रेमेडीज़ को ट्राई करो। बस इसको 3 से 5 डेज तक एम्प्टी स्टमक लेना है और उसके बाद में पीरियड्स हो जाएंगे। माई नेक्स्ट हैक इज़ राइट डाउन योर पीरियड डेट। अगर आप उन लड़कियों में से हो जिन्हें अपना पीरियड डेट बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हो, तो मैं आपको बता दूँ, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पीरियड्स के 2 महीने पहले तक की डेट याद रखो। अगर नहीं याद रहता है तो कैलेंडर में या अपनी डायरी में इसको लिख के रखो, जिससे कि आप अपनी पीरियड की साइकिल को ट्रैक कर सको। माई नेक्स्ट हैक इज़ कीप ट्रैक ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिससे कि आपको पता चले कि आपका साइकिल कितने दिनों का है, जिसे ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको हमेशा याद रखना है अपने पहले पीरियड की डेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 तारीख को आई थी और इसी महीने की आपकी 30 तारीख को वापस से आपको पीरियड्स हो गए हैं, तो इस बीच जो भी दिन हैं उनको काउंट कर लो एंड वो आपके पीरियड साइकिल है। नॉर्मली एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, बाकी 21 डेज से 38 डेज तक नॉर्मल माना जाता है। तो अगर पीरियड्स 21 डेज में आ जाते हैं तो विच इज़ नॉर्मल, बस 38 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप दिन में कितने पैड्स यूज़ करते हो। माई नेक्स्ट हैक इज़ हाउ टू डिस्पोज अ पैड।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पैड को बहुत अच्छे से कवर करके फेंकें। तो हमें पैड को रिमूव करना है, उसके बाद में रोल ऑन करके जो पैड के साथ में जो पॉलिथीन आती है उसके अंदर कवर करना है, न्यूज़पेपर में कवर करना है, जिससे कि ये अनहाइजीनिक नहीं होगा। माई नेक्स्ट हैक इज़ वेयरिंग अ डार्क क्लोथ्स। जब आपको पीरियड्स आए तो आपको डार्क क्लोथ्स को वेयर करना चाहिए, लाइट क्लोथ्स को वेयर नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि ब्लैक कलर या फिर डार्क क्लोथ्स जो है वो जल्दी सोक करते हैं और जल्दी ड्राई होते हैं और स्टेन होने का भी चांस नहीं होता है। माई नेक्स्ट हैक इज़ व्हेन डू आई नीड टू चेंज माई सैनिटरी पैड्स और प्रोडक्ट्स। देखो, अगर आपको लाइट फ्लो होता है तो आपको 3 से 4 घंटे में सैनिटरी पैड्स को चेंज करना चाहिए, और अगर आपको मीडियम फ्लो होता है तो आपको 2 से 3 घंटे में अपने पैड को चेंज करना चाहिए, और हैवी फ्लो होता है तो 1 से 2 घंटे में आपको पैड चेंज करना चाहिए। अगर हम काफ़ी देर तक पैड को वेयर करके रखेंगे तो हमें वेजाइनल इन्फेक्शन और वेजाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमें 1 से 2 घंटे में अपने फ्लो के अकॉर्डिंग पैड्स को चेंज करते रहना चाहिए। My next hack is ideas for period kit. जब आपको पता चल जाए कि आपकी पीरियड की डेट जो है वो पास आ गई है तो आपके पास में एक इमरजेंसी किट ज़रूर होना चाहिए, और जिसके अंदर आपको रखना है पैंटी लाइनर, 2 पैड्स, हैंड सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर और एक्स्ट्रा पैंटी। तो जब भी आपको इमरजेंसी होगी आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पहले से इमरजेंसी किट होगा तो आप इसको यूज़ कर पाओगे। अब पीरियड्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट होती है, जिसके अंदर हमें तला भुना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।